अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे करते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की तरफ से समन जारी किया है। इस मुद्दे पर मंत्री अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा कि हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट ही देखेगी कि इस मामले में क्या करना है और क्या फैसला सुनाना है। साथ ही अशोक चौधरी केंद्र सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। वो महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हुए और कहा कि उन्होंने बिल तो पास कर दिया है लेकिन उसमें कई तरीके के पेच फंसा दिए हैं, तो अब ये बिल कब तक लागू हो पाएगा इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए अशोक चौधरी, ये हम आपको सुनाते हैं। लागू किया है प्रदेश में, हम चाहते हैं कि बिहार मॉडल ही सब जगह लागू हो, देश में लागू हो, क्योंकि ये सक्सेसफुल मॉडल है, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। सर, लालू जी पर बड़े भाई हैं और पिता की तरह उनका स्नेह मिला है। हम अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं कि उतना प्यार उन्होंने हमारे ऊपर दिखाने का काम किया पब्लिकली, इसलिए हम तो अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसा नेता जिसका प्यार और स्नेह हमको मिला है। कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब बीजेपी जब नीतीश जी के साथ रहती है तो बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी के प्रशंसा में कसीदे करते हैं, और जब नीतीश जी से अलग हो जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश जी का कोई काम ही नहीं हो रहा। कि तो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, नीतीश जी के ताक का चरित्र और नीतीश जी से अलग होने का चरित्र, इसको तो समझना पड़ेगा ना प्रदेश की जनता को। लैंड फॉर जॉब मामले में चार अक्टूबर को बुलाया है, समन जारी हुआ है लैंड फॉर जॉब मामले में, समन जारी हुआ है लालू यादव के इस्तीफे पर। न्यायालय का काम है, न्यायालय का काम है, और न्यायालय के काम में न्यायालय के जो लोग हैं न्यायाधीश उनकी भूमिका है, और जो पक्ष विपक्ष के वकील हैं उनकी भूमिका है। इसमें हम लोगों का टीका टिप्पणी करने से तो कोई अर्थ नहीं। सर, एक सवाल है, कल जो हम लोगों ने तस्वीरें देखी आज, अभी आपने अशोक चौधरी को सुना, वो किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने, केंद्र सरकार ने केवल महिला आरक्षण बिल पास किया है लेकिन उसमें कई तरीके के पेच हैं, ये कब तक लागू हो पाएगा इस बारे में कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की ओर जो भी काम किया है उससे केंद्र सरकार को सीखना चाहिए। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण में बहुत अच्छा काम किया है और केंद्र सरकार को उससे सीख लेनी चाहिए और वैसा ही काम पूरे देश में होना चाहिए। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए अशोक चौधरी, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।